महावीर सिंह जी सरवड़ी, क्षत्रिय संघ के वरिष्ठ स्वयं सेवक और प्रताप फाउंडेशन के संयोजक हमारे साथ हैं। क्या कल का इवेंट जो है, कितना आप अनुमान लगा रहे हैं, कितने लोग आएंगे? हम तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि समाज का रिप्रेजेंटेशन जितना मैक्सिमम हो सकता है होगा जी। राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली में सभी प्रदेशों के राजपूत यहाँ रहते हैं, वो सब भी आएंगे। और जितने भी यहाँ सामाजिक संगठन हैं, वो संगठन के लोगों से भी पूरा संपर्क है, वो सब भी आएंगे। और इनवाइट तो हमने सभी को किया है, जिनको व्यक्तिगत रूप से पहुंच सकते थे व्यक्तिगत रूप से जाके इनवाइट किया, वरना अखबारों के माध्यम से ये सूचना दे के भाई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, आपको आना चाहिए, तो आएंगे। काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन अंदाज लगा नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ से ऐसा वातावरण आ रहा है, जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ इतना रेस्पॉन्स इतना बढ़िया हो रहा है कि कहीं सभी आप गए तो यहाँ जगह ही नहीं थी जी। तन सिंह जी ने अपने जीवन में बहुत सारे संदेश दिए अलग अलग तरीके के, तो कल कौन सा मेजर रहेगा, कि क्या आप राजनीतिक संदेश महत्वपूर्ण रहेगा या सामाजिक या कोई और? संदेश तो देखो महत्वपूर्ण जो है वो न राजनीतिक है न सामाजिक है, वो है अपने आत्मा को सुधारने का, अपने आत्मिक विकास का। जो हमारा परमात्मा का अंश हमारे अंदर बैठा है वो इतना प्रकट हो जाए कि वो वहाँ तक पहुँचे। लेकिन क्योंकि हम संसार में रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, इसलिए समाज का काम भी करना पड़ता है, और समाज को सांसारिक सब जो दुविधाएं हैं उनसे उलझना पड़ता है, इसलिए वो भी बातें आती है। तो वो सभी संदेश आएंगे कि ये देखा होगा आपने जो लोगो बनाया है उसमें लिखा है कौम के अरमान मुझ में बोलते हैं। कौम के अरमान जितने भी हैं वो सब बोलेंगे, वो संघ में भी बोलते हैं, तन सिंह जी में बोलते थे, उन्होंने इसीलिए काम शुरू किया, और वो संघ में बोलते हैं इसलिए हमें भी बोलेंगे। प्रताप फाउंडेशन के आप संयोजक हैं, राजनीतिक रूप से काम करते हैं, राजपूतों की संख्या 3 रह गई हैं सांसदों की, सांसद के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या सोचते हैं इस पर पॉलिटिकली आप? ऐसा है कि सीधा सा हमारा कोई राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि समाज के हिसाब से देखें तो समाज का प्रतिनिधित्व बराबर वैसा होना चाहिए जैसा कि समाज है, लेकिन देखा यह गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अवॉइड करती है। आप देखिए, अचंभे की बात, गुजरात में पिछली बार पूरे गुजरात में एक भी राजपूत को सांसद का टिकट नहीं मिला, और कोशिश उनकी ये रहती है कि इनकी बजाय किसी दूसरे को राजी करके लाएं ताकि वो समाज भी हमारे साथ जुड़े, हमको वोट दे। जबकि जो समाज लगातार बिना आपके किसी भी प्रकार के मनुवार के लगातार आपको सपोर्ट कर रहा है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो नेचुरली ये मन में असंतोष होता है और इसलिए नाराजगी भी प्रकट होती है। कल के इवेंट में लगभग सभी भारत भर से लोग आ रहे हैं, तो क्या ये नाराजगी? ये तो नाराजगी जैसे हमारे आसपास के प्रदेशों में देखें तो हम साफ देख रहे हैं, वो नाराजगी प्रकट हो ही रही है। इसलिए बाकी लोग जो दूसरे हैं वो भी अगर ऐसा ही सफ़र करते हैं तो नेचुरली उनमें भी नाराज़गी आएगी, और जो यहाँ से जाएंगे उसके बाद भी उस नाराज़गी को दूर करने का एक ही तरीका है कि संगठित होकर रहो। वो अगर संगठित होकर रहना प्रारंभ करते हैं तो उस नाराज़गी का असर हुआ, वरना तो असर क्या होगा। इसलिए प्रयास यही रहेगा कि समाज जब तक संगठित होकर नहीं रहेगा तब तक हमारी पूछ नहीं होगी। संगठित होकर रहेंगे तो हम किसी को आंख भी दिखा सकते हैं, अन्यथा हम आँख ही नहीं दिखा सकते। इसलिए कोशिश ये रहेगी कि समाज का संगठन और मजबूत बने। कल एक बड़ी घोषणा हुई है परसों, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की। उन्होंने जिस पैटर्न पे काम किया वो पैटर्न पहली बार क्षत्रिय संघ के एक संघ प्रमुख आयुवान सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो क्या सोचते हैं कि इस तरह से चीज़ फलीभूत हुई? अब 100वीं जयंती कर्पूरी ठाकुर की है और 100वीं तन सिंह जी की है, तो भारत रत्न राजपूतों के लिए क्यों नहीं है? ऐसा है कि राजपूतों के लिए तो न पद है, न कोई आगे बढ़ने का चांस है, और न ही भारत रत्न है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो मानते हैं, पर एक तो देखिए आज़ादी के तुरंत बाद सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सभी समाजों ने ये प्रयास किया कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम करो, ये हमारा शोषण करते थे, ये हमारे साथ ऐसा करते थे। जबकि आज जो शोषण हो रहा है उसके सामने पुरानी कोई एक दो घटना हो गई तो वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रचार करके हमको साइड लाइन करने की कोशिश की है। इसलिए वो जो काम हम कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। दलितों के साथ जैसा अच्छा व्यवहार हमारा है वैसा किसी का नहीं है,
हम बिल्कुल, हमको तो बचपन में याद, हम तो साथ खेलते थे और अभी भी कोई किसी को मतलब दूसरी कोई बात नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी महिलाएं जब घर पे झाड़ू लगाने आती थी तो हमारे परिवार की जो छोटी महिलाएं होती थी वो उनके पाँव लगती थी। तो जो ऐसा व्यवहार था उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब जो आरक्षण मिला है अच्छी बात है, वो आगे बढ़े, लेकिन उसका दुरुपयोग भी करते हैं लोग, वो दुरुपयोग रुकना चाहिए। इंटरनल कास्ट में भी एक एक्ट्रोसिटी भी है और बड़े लोग जो बड़ी जातियां छोटियों को खा भी रही है, ऐसा नहीं लगता आपको, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन हो चाहे या दूसरा हो? वो सभी जगह है, ये ऐसा होता ही है। अब आप देखिए कि जो 2-3 पीढ़ी से लगातार आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं वो भी आज भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, और इस तरह से जिस किसी को भी कुछ मिल गया, आज जो वातावरण है पूरा सारे संसार का वो निज स्वार्थ का ज़्यादा हो गया। इस निज स्वार्थ के कारण हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं मेरा फ़ायदा उठाऊं, इससे समाज का कोई नुकसान होता तो भी कोई परवाह नहीं करते जी। तो महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब से हमारी लंबी बात हुई, आप ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय युवक संघ का एक ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पर होगा, और थिंक 360 के लिए JLN स्टेडियम से प्रदीप बिदौत।